स्टोरी टाइम ENTI उत्तर प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। हेलो डियर चिल्ड्रन, डू यू लाइक टू गो टू फेयर? क्या आपको मेला जाना अच्छा लगता है? तो चलिए चलते हैं चीकू के साथ मेले की सैर पर। वंस अपॉन अ टाइम नंदन कानन फॉरेस्ट में बहुत बड़ा मेला लगा था। सारे एनिमल्स अपनी अपनी फैमिली के साथ मेले में जा रहे थे। चीकू रैबिट के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर भी मेला जाने वाले थे। चीकू रैबिट भी उनके साथ मेले में जाना चाहता था। उसने अपने ग्रैंडफादर से कहा, ग्रैंडफादर, I also want to come with you. No, चीकू बेटा, मेले में बहुत क्राउड होता है। You will be lost there. तब चीकू रिक्वेस्ट करते हुए बोला, मैं आपका हाथ पकड़े रहूंगा ना और आपके साथ ही रहूंगा। प्लीज लीव आ चलो ना दादू। और तब चीकू की ग्रैंड मदर ने उसे समझाते हुए बोला, ठीक है ले चलूंगी, बट यू विल नॉट रन हियर एंड देयर इन द क्राउड। ओके ग्रैंड मदर, आई प्रॉमिस आई विल नॉट गो हियर एंड देयर विदाउट योर परमिशन। नेक्स्ट मॉर्निंग चीकू अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ तैयार होकर जंगल वाले स्टेशन पर पहुंचा। आखिर नंदन कानन फॉरेस्ट जाने के लिए उन्हें ट्रेन जो पकड़नी थी। द स्टेशन वॉज वेरी क्राउडेड। तभी चीकू ने देखा, पता है क्या देखा? जंगल वाले स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है प्यारी, कलरफुल डिब्बों में बैठी खूब सवारी। भालू दादा बने ड्राइवर पोपो हॉर्न बजाएं, गार्ड की ड्यूटी मंकी मामा झंडे खूब हिलाएं। प्लेटफॉर्म पर चली ट्रेन जब हाथी दौड़ा आया, किसी तरह से हाफ हाफ कर डिब्बे में चढ़ पाया और फिर सभी लोग ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन छुक छुक कर चलने लगी। चीकू ने अपने ग्रैंडफादर से कहा, ग्रैंडफादर, मुझे भी ट्रेन चलानी है। बेटा जब बड़े हो जाना तब चलाना। आफ्टर 2 hours दे रीच्ड नंदन कानन स्टेशन। वहां पर चीकू के अंकल आंट पहले से ही उन सब का वेट कर रहे थे और इसके बाद वो सब मिलकर मेला घूमने चल दिए। रास्ते में चीकू को चुनमुन स्क्वेरल मिली। चुनमुन वॉज ऑल्सो गोइंग टू द फेयर विद हर मदर एंड फादर। चलते चलते चुनमुन स्क्वेरल ने चीकू से पूछा, अरे चीकू, व्हाट विल यू बाय फ्रॉम द मेला? आई विल बाय अ बिग ट्रेन एंड लॉट्स ऑफ टॉयज। मैं तो एक एरोप्लेन खरीदूंगी जिस पर बैठकर मैं जल्दी जल्दी एक ट्री से दूसरे ट्री पर पहुंच जाऊंगी। ऐसे बातें करते करते दे रीच्ड द फेयर। वहां पर बहुत सारी शॉप्स थीं। टॉयज की शॉप, आइसक्रीम की शॉप, चाट के ठेले और पता है बच्चों, वहाँ जोजो मंकी का सर्कस भी था और मैजिशियन वाला जादू भी। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। मेले में
जो भी शॉप्स मिलती चीकू वहीं खड़ा होकर देखने लगता। He was looking at every shop. वह सोच में पड़ गया कि वह अपने सिस्टर एंड ब्रदर के लिए क्या खरीदे, मदर एंड फादर के लिए क्या खरीदे। सडनली उसने देखा कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल आंट उसके पास थे ही नहीं। वह परेशान हो गया। He looked here and there, but उसको कोई भी नहीं दिखा। He started crying. रोते रोते वह एक शॉप पर पहुंचा। Then he asked the shopkeeper, क्या आपने मेरे ग्रैंडफादर को देखा है? बेटे, what does your grandpa look like? उनकी बड़ी वाइट वाइट मूछें हैं और लंबी दाढ़ी भी। उनके पास एक मोटा चश्मा है और उनके पास एक स्टिक भी है। नहीं बेटे, मैंने तो ऐसे किसी पर्सन को नहीं देखा। अब तो चीकू और जोर जोर से रोने लगा। तब शॉपकीपर उसे खोया पाया केंद्र पर ले गया। एक जरूरी सूचना, एक बच्चा जो लगभग 7 इयर्स का है, रेड शर्ट पहने हुए है और अपना नाम चीकू बता रहा है, अपने जंगल का नाम सुंदरबन बता रहा है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल आंट मेले में जहां कहीं हमारी आवाज सुन रहे हो, खोया पाया केंद्र आकर बच्चे को ले जाएं। हमारा यह खोया पाया केंद्र पुराने पॉन्ड के पास बरगद के नीचे स्थित है। और फिर थोड़ी ही देर में चीकू ने देखा कि दादू उसको लेने आ गए हैं। पीछे से अंकल आंट और ग्रैंड मदर भी पहुंच गईं। चीकू सबको देखकर बहुत खुश हो गया। फिर अंकल ने चीकू को एरोप्लेन वाला झूला झुलाया और आंट ने उसको आइसक्रीम खिलाई। रिटर्न होते समय चीकू ने अपने लिए ट्रेन, अपनी सिस्टर के लिए कार और ब्रदर के लिए गन खरीदी। चीकू ऑल्सो बॉट स्वीट्स फॉर हिज पेरेंट्स। आफ्टर दैट दे रिटर्न टू द स्टेशन। फिर वे ट्रेन में बैठकर अपने फॉरेस्ट वापस आ गए। चीकू के ब्रदर और सिस्टर टॉयज देखकर हैप्पी हैप्पी हो गए। रात में चीकू ने मोबाइल पर ग्रैंडफादर यानी नाना और ग्रैंडमदर यानी नानी को अपने सारे टॉयज दिखाए। तो बच्चों, कैसा लगा आपको चीकू और चीकू की फैमिली के साथ मिला जुलकर?